मैं माया सांकला सहायक का आचार्य फैशन गर्ल्स बीएड कॉलेज आपका फिर से स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल पर। लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे बीएड पार्ट सेकंड से अधिगम के लिए आपके विषय, इसमें हमारा टॉपिक था सहसंबंध। सहसंबंध के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सहसंबंध क्या होता है, कैसे होता है और इसकी कुछ परिभाषाएं भी हम लोग ने पढ़ी थी। सहसंबंध एक बड़ा टॉपिक है जिसको एक क्लास में खत्म हम लोग नहीं कर सकते हैं। आज इसकी सेकेंड क्लास है, आज हम पढ़ेंगे सहसंबंध के प्रकारों के बारे में कि सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं। साधारणतः सहसंबंध चार प्रकार के होते हैं, धनात्मक सहसंबंध, सेकेंडरी ऋणात्मक सहसंबंध, तृतीय है शून्य सहसंबंध और चौथा है वक्र रेखीय सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध अब हम लोग इनको डिटेल के बाद डिटेल से पढ़ेंगे इनके बारे में। पहला है धनात्मक सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध अर्थात जब दो वेरिएबल्स जब हमारे पास होते हैं, जब पहले वेरिएबल्स में कोई परिवर्तन होता है और उसमें उच्च गति से परिवर्तन होता है यानी उसकी मात्रा जब बढ़ती है तो दूसरे जो चल होता है दूसरा जो वेरिएबल होता है उसमें भी मात्रा अगर बढ़ रही है और जब पहले में जो पहले वेरिएबल्स में मात्रा अगर घट रही है और दूसरे में उसकी उसी का अनुपात मात्रा घट रही है तो उसे हम धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। अर्थात एक में जो ऊपर नीचे जो हो रहा है, जो भी मात्रा में ऊपर घट बढ़ रही है और उसी अनुपात में दूसरे सेगमेंट में उसी मात्रा में उसकी मात्रा घट और बढ़ रही है तो उसे हम लोग धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। इसको हम लोग उदाहरण द्वारा अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे पेट्रोल के दाम अगर बढ़ जाते हैं, मार्केट में अगर पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि महंगाई भी बढ़ जाती है क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा आता है वो भी उसमें पेट्रोल लगता है। तो जब पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट से जो भी सामान आता है उस पर भी वो लागू होता है और उसके दाम बढ़ जाते हैं। इसको हम लोग दूसरे उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे एक व्यास होता है, जैसे जैसे व्यास बढ़ता है वैसे वैसे जो वृत्त जो होता है वृत्त की परिधि भी बढ़ती जाती है और जैसे जैसे अगर लोग वृत्त के व्यास को कम कर देते हैं तो उसकी परिधि जो होती है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। अर्थात पहले वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल में जो उस जिस अनुपात में पहले में कमी आ रही है उसी अनुपात में दूसरे में भी कमी आ रही है, तो पहले में जो बढ़ रही है उसी में अनुपात में दूसरे में भी बढ़ रही है तो वो धनात्मक सहसंबंध के अंतर्गत आता है। सेकेंड है ऋणात्मक सहसंबंध। ऋणात्मक सहसंबंध में क्या होता है कि जो दोनों चरों में अगर उल्टा असर हो रहा है परिवर्तन का, पहले चर के परिवर्तन का दूसरे चर पे एकदम विपरीत असर हो रहा है यानी कि पहला जो चर है अगर उसकी मात्रा घट रही है तो दूसरे चर की मात्रा उसी अनुपात में घटती है या पहले चर की मात्रा घट रही है तो दूसरे चर की मात्रा बढ़ रही है तो इसको हम लोग ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। इसको हम लोग एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे शुद्धता और जो गति होती है, लिखने की जो शुद्धता और जो स्पीड होती है गति होती है उसमें ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है अक्सर। जैसे कि अगर हम जो कुछ लिखते हैं रिटेन में कुछ भी वर्क करते हैं तो जैसे अगर हम लोग धीरे धीरे लिखते हैं तो हमारी राइटिंग भी अच्छी आती है और हमारी शुद्धता में भी वृद्धि होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी गति बढ़ती जाती है लिखने की स्पीड बढ़ती जाती है वैसे हमारी शुद्धता में भी कमी आ जाती है और उसकी हमारी जो लिखावट होती है उसमें भी कमी आती है। अर्थात इन दोनों में जो होता है वो ऋणात्मक सहसंबंध होता है। इसको हम लोग ग्राफ से, इन दोनों चीज़ों को हम लोग ग्राफ से दे सकते हैं। धनात्मक सहसंबंध का ग्राफ जो होता है हमेशा ऊपर की तरफ जाता है और जो ऋणात्मक सहसंबंध का ग्राफ होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही आता है। तीसरा सहसंबंध है शून्य सहसंबंध। शून्य सहसंबंध का अर्थ होता है कि दो जब दो चेयर होते हैं, जो दो वेरिएबल्स होते हैं उनमें एक दूसरे का कोई कनेक्शन नहीं होता है। जब एक में परिवर्तन हो रहा है तो दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या पहले प्लस हो रहा था वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है या कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसे शून्य परिवर्तन कहते हैं। जैसे व्यक्ति की बुद्धि लब्धि और शारीरिक से हुआ कि उसकी अगर बुद्धि लब्धि बढ़ रही है तो उसका शरीर से कोई मतलब नहीं है कि उसका शरीर भारी है हल्का है या उससे। तीसरा सहसंबंध इन तीनों के अलावा एक सहसंबंध और जो एक सहसंबंध और होता है जिसे वक्र रेखीय सहसंबंध कहते हैं। वक्र रेखीय ना, वक्र जैसे आपने देखा होगा वक्र ऐसे बनता है पिरामिड की तरह बनता है एक, तो यानी वक्र रेखीय सहसंबंध भी एक प्रकार का होता है। इस सहसंबंध को हम लोग एक छोटे से उदाहरण द्वारा बहुत अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे व्यक्ति की जो आयु होती है उम्र जो होती है उम्र स्मरण शक्ति और बुद्धि का तीनों में वक्र रेखीय संबंध होता है। जैसे जैसे आपने देखा होगा जो बचपन में जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो वैसे वैसे उसकी बुद्धि और जो स्मरण शक्ति है वो भी बढ़ती जाती है और उसके जो ग्राफ है वो ऊंचा जाता जाता है। लेकिन जो एक उम्र ऐसी आती है जैसे 25 या 26 वर्ष के आसपास होता है कि उम्र तो बढ़ती है लेकिन जो उसकी बुद्धि लब्धि और जो उसकी स्मरण शक्ति होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, तो उसके जो जिस तीव्र गति से उसकी बुद्धि लब्धि आयु के साथ बढ़ रही थी उस गति से वो नहीं बढ़ती है और वो माइनस में जाती जाती है तो उसे हम लोग वक्र रेखीय सहसंबंध कहते हैं। इस प्रकार आज आपने चारों सहसंबंध के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आपको चारों प्रकार के सहसंबंध अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा।
इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।